Good morning guys, welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Today is 12th of December, Sunday, and we are heading towards Jodhpur. You are looking nice. I'm also. You're also looking very nice. So I'm wearing this linen sari jo didi bhai ne mujhe di thi. And look at this too. This is going to be Flurry and Kiara's first wedding party that they are going to attend. The wedding actually wedding party mein wo log nahi ja pa rahe hain, uske pehle wale din ja rahe hain. Today is aiburo bhat, jo hamare ghar mein aiburo bhat hua tha, aaj uska ekdam proper formal aiburo bhat hai, jo ekdam shaadi ke pehle wale din apne ghar mein hota hai. To usme hum log ja rahe hain, shaam ko hum log wapas aa jayenge Flurry aur Kiara ko leke. Papa bhi aa gaye hain new town, but papa aaj nahi aaye hain. Subah subah hum logo ka message aaya tha ki breakfast se shuru karte hain na. Haan, aaj subah 6 baje mujhe Tumpa ne message kiya ki didi jaldi aa jao, breakfast karna hai yahan pe. To maine kaha nahi, ये दो बच्चों को लेके जाएंगे ना तो थोड़ा सा लेट आती हूँ, कल तेरे शादी के दिन एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाऊंगी. हम लोग वापस आ जाएंगे, प्लान यही है पूरा यहाँ का रिचुअल्स हो जाने के बाद फ्लरी कियारा को लेके. और पापा भी न्यू टाउन में है, कल है वेडिंग, तो कल फ्लरी कियारा नहीं जा पाएगी. फ्लरी कियारा के नाम पे ही इनविटेशन आया था, बट एक्चुअली जहाँ पे मतलब कम्युनिटी हॉल में शादी हो रहा है वहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है. तो हम अगर शादी अटेंड करेंगे तो हमें तो कम्युनिटी हॉल जाना ही पड़ेगा, तो इन दोनों को कहाँ पे छोड़ेंगे. तो देखते हैं वो कल कैसे हम मैनेज करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. पहली बार हमारे चैनल में ऐसा कोई व्लॉग जाएगा जिसमें बंगाली वेडिंग के पहले वाले ये आईब्रो बात. वो तो हमारे घर में आपने एक राउंड देखा था, आज आप लोग उसी का ही थोड़ा सा और बिगर वर्जन देखोगे. मामा आर यू एक्साइटेड? फ्लरी एंड कियारा वेयरिंग ऑल न्यू क्लोथ्स. दीज आर द फ्रॉक्स दैट आई गॉट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा. पूजा में तो खैर पहन नहीं पाए थे क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा गर्मी था, बट अभी जैसे वेदर है अभी काफ़ी ठंड है. टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22-20, रात के टाइम 18 भी हो रहा है, तो इसलिए आज फ्लरी को मैं अच्छे से डेनिम फ्रॉक पहना के लाई हूँ, कियारा का भी पूरा चेस्ट कवर करके. मेरा आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो, मुझे ऑलरेडी मेरे गले में मतलब मेरे टॉन्सिल में प्रॉब्लम चालू हो गया है. ये बहुत रेयर होता है मेरे साथ, मुझे ये सर्दी बुखार बहुत कम होता है, बट मेरे थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है. मुझे थोड़ा सा भी ठंड लगता है तो मेरे टॉन्सिल में मतलब टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं वो होता है, तो वही मेरा परसों से थोड़ा सा गला का हालत ख़राब है. मैं वेपर कारवॉल मैंने क्या बोला गले का हालत ख़राब है. मैं कंटिन्यूसली वेपर कारवॉल प्लस गर्म पानी गार्गल सॉल्ट वाटर गार्गल सब कुछ कर रही हूँ. होपफुली कल वेडिंग के दिन तक ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, थोड़ा रेस्ट दे रही थी गले को, पर आज तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा. जो खुद व्लॉगर बोलते हैं अपने आप को, उनको खुद व्लॉग करना चाहिए, पतियों को पकड़ पकड़ के कैमरा लेके करती हूं, बट आज मेरा ना थोड़ा बोलने की ताकत कम है. तो ये अच्छी बात है ना कि तुम व्लॉगिंग ट्रू भी करते हो, उसके लिए थोड़ी ऐसा है कि मुझे भी करना है ऐसे. आई वांट यू टू बी अ ट्रू व्लॉगर. ओफो सिर्फ आज का दिन. बेलगोरिया एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं हम लोग, टारगेट किया था हम 11:30 को निकलेंगे, वही हम निकले हैं, पहुंचने में और 24 मिनट्स बाकी. झूठ मत ही बोलो, 11:30 पे हम नहीं निकले हैं. हाँ. 50 पे निकले हैं हम. बताती हूँ क्या हुआ, लोग रेडी शेडी सब कुछ हो गए, फिर हम घर से निकल भी गए, और निकलते ही 5 मिनट बाद पापा का कॉल आया. एक्चुअली हमारे घर में अभी एक दीदी रह रही है, वो अभी घर पे है, तो वो खाना बना रही थी, गैस खत्म हो गया, तो पापा का फोन आया गैस खत्म हो गया. अभी जो गैस वाले भैया है उनको हमने फोन किया कि वो सिलेंडर लेके एक घंटे में आएंगे. गैस वाले भैया अब घर पहुंचते पहुंचते हम लोग गुम्बा के घर पहुंच. हाँ, तो वो आएंगे तो बाकी का खाना बनेगा, फिर पापा खाएंगे. वहाँ पे खड़े हो गए कुछ देर क्योंकि दीपांजन ने फोन किया सिलेंडर वाले को, फिर फाइनली हम लोग 11:45 तक स्टार्ट कर दिए. ठीक है, आज प्रोग्राम थोड़ा लेट है, मतलब आज वो 1:30-2 बजे खाएगी आई बुढ़ो भात, उससे पहले हम लोग पक्का पहुँच रहे हैं, है ना. 1 बजे तक पहुँचना चाहिए. हाँ, आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ. फ्लारू बाबू भालो लग जे, ये भी बताना फ्लारू कैसी लग रही है. आर क्यू क्यू फ्लारू प्लीज चेंज योर ग्रम्पी फेस. मामा फ्लारी का कुछ भी हो जाए फेस हमेशा ग्रम्पी, बट मैं ना बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाती हूँ तो व्लॉग अच्छे से कर नहीं पाती, तुम थोड़ा हेल्प कर देना. ठीक है फ्लारा, फ्लारू फ्लारू यहाँ पे सेट हो गई है. फ्लारू को यहाँ पे आके भी डैडी चाहिए. डैडी 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 नहीं तो मामा, अगर डैडी नहीं है तो मामा. फ्लादू, फ्लादू. किया ना होता है क्यों क्यों होता है. ओ किया ना एक आने है कौशानी. यस 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 क्यों क्यों
आंटी आज बहुत प्रिटी लग रही है, बहुत ज्यादा टुम्पा, ओह तिथि बहुत प्यारी लग रही है। फाइनली तिथि रेडी हो गई है, मिष्टी लग जे। और की कर भी तू भी अच्छा लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है आज। बुम्बा बहुत सीरियस है क्योंकि आज बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दो शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े भैया। हम लोग 45 मिनट्स पहले पहुंच गए हैं और अभी 2 बजे के बाद वो आईब्रो भात खाएगी, तो उसके बाद ही सारे रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। आज के हमें एक तातरी मिली हो जाओ, कल के हमें सकाल सकाल आज थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम भी लगता है पहुँचने में, कल बिल्कुल सुबह सुबह आएंगे। तो ये है 15th फ्लोर का एक फ्लैट जो बुम्बा ने लिया है शादी के पर्पज़ में, ये पूरा खाली है और यहीं पे अभी होगा रिचुअल्स और यहाँ से व्यू ब्यूटीफुल है। एक बार सारा रिचुअल हो जाए उसके बाद मैं बालकनी में जाकर व्यू दिखाऊंगी, बहुत सुंदर व्यू है। और फ्लरी क्या रहा यहाँ पे, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, सबसे कदर मिल रहा है, स्पेशली जो बच्चे आए हैं उनसे। तो फ्लरी अभी खाली था तो हम लोग उन दोनों को भी ऊपर लेके आए हैं। यहाँ पे आए हैं ना, इनके इसके पीछे का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेल स्टेशन मतलब रेल लाइन है और यहाँ पे कार शेड भी है जो कि रेल का कार शेड है। तो बहुत ही एकदम मतलब खाली है, एकदम पूरा नो व्यू ब्लॉकिंग टाइप का सिचुएशन है, यहाँ पे कभी व्यूज़ ब्लॉक भी नहीं हुए, बहुत सही है। और अभी तो थोड़ा सा शाम होने को आ रहा है, मतलब 4:30 बज गए, 5 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली शाम का ही टाइम आ गया, बट बहुत ही सही है ये जगह, अमेजिंग। बट ठंड भी बहुत है क्योंकि हवा चल रही है, ठंड बहुत ठंड है। शादी से घूम के आके अभी चल रहा है दादू से बिस्किट ट्रीटी, क्योंकि शादी के घर में तो कुछ नहीं खाया था उन्होंने, हम लोग दबा के खाए। हम लेके गए थे खाना, हम लेके गए थे, बट वहाँ से हम जल्दी शुरू कर दिए ना, वी स्टार्टेड अर्ली बिकॉज टुमारो मॉर्निंग अगेन वी हैव टू गो, हमने जल्दी शुरू कर लिया था इसलिए। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा कि ठीक है घर ही पहुँच जाएंगे तो खाने का टाइम पे ही खाना खा लेंगे। 6:40 और हम लोग आ गए हैं घर, वहाँ से लंच करके हमने सोचा कि और लेट नहीं करते, निकल जाते क्योंकि आज लंच के बाद और उतना काम वहाँ पे है नहीं, जल्दी लौटते ताकि कल जल्दी जा पाए। और टॉन्सिल का जैसे पेन होता है ना कि जितना शाम होता है उतना पेन थोड़ा बढ़ता है, सुबह के टाइम टॉन्सिल का पेन थोड़ा कम होता है, मुझे पता नहीं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है बट ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा गार्गल करूँगी, एक बार देखते हैं बेटाडीन गार्गल कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी या चाय पीऊँगी और फिर आज थोड़ा सा मेडिसिन लेके मैं रेस्ट लूँगी ताकि कल मैं अच्छे से एंजॉय करूँ। सुबह से मैंने अपने आप को आप लोगों को इतना अच्छे से दिखा नहीं पाई हूँ, तो ये है वो साड़ी,
थोड़ा सा तो अभी इसमें रिंकल आ गया है, सुबह एकदम नया पहन के गई थी। और ये है उसके साथ जो भी एक्सेसरीज मैंने आज पहना है। कल का भी बहुत सारा प्लान है, बट बस मेरा तबीयत ठीक हो जाए और मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। हो सकता है पूरा दिन वहाँ पे थोड़ा सा बात भी ज़्यादा की हुई सब के चक्कर में। और हमने क्या खाया, अगर आप जाना चाहते हो तो जो भी टुम्पा को दिया गया था वही हम लोगों ने भी खाया है सब ने। खाने के टाइम क्या हुआ था कि हम लोग ही सर्व कर रहे थे, तो इसीलिए मैं यार उसका वीडियो नहीं कर पाई। और दीपांजन फ्लरी कियारा के साथ बैठा हुआ था तो इसलिए उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी घर आ गई हूँ, तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। शादी के नेक्स्ट जितने भी व्लॉग्स आएंगे उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ऑन, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम। बाय बाय।